तो गाइस हमने सोचा कि तुम बहुत टाइम से दिल्ली के ब्लॉग देख देख के परेशान हो गए होंगे, तुम्हें कुछ नया दिखाते हैं। सो गाइस अभी कुछ टाइम पहले मैं नैनीताल गया था, जिसका इंट्रो मैंने रेलवे स्टेशन पे शूट किया था, बट वहाँ पे नॉइज़ बहुत थी, तो इसलिए मैं वो क्लिप हटा दी। तो अब दोबारा शूट कर रहा हूँ। उस बात को हो गए मतलब 8-10 दिन हो गए हैं। 8-10 दिन पहले मैं गया था, कुछ टाइम में कुछ प्रॉब्लम में फंस गया था अभी रिसेंटली, बहुत काम चल रहे थे घर पे मेरे, और ऊपर से मेरा लैपटॉप बहुत हैंग कर रहा था जिसकी वजह से मैं एडिटिंग नहीं कर पाया। तो वो वीडियो अब डाल रहा हूँ, कोई नहीं, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। और तो चलते हैं, देखते हैं, सीधा रेलवे स्टेशन जाते हैं यहाँ से और चलते हैं नैनीताल। गाइस हम आ गए हैं रेलवे स्टेशन पे, ट्रेन हमारे सामने खड़ी है, मेरी ट्रेन कathgodam। ट्रेन है कathgodam की जो जैसलमेर से कathgodam जाती है। हम आ चुके हैं हल्द्वानी, नेक्स्ट स्टेशन हमारा ये स्लीपर थी ऐसे, तो टिकट भी ठीक थी, सबका प्राइस मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। बस 20 मिनट का हो रहा है अभी, सुबह के बज रहे हैं 5, 20 मिनट लेट हो गई, वरना तो 5 बजे हम वहाँ पहुँच जाते हैं। पीछे तो मेरे को बस दिख रही है ना खड़ी हुई, इसकी 65 रुपये 65 रुपये रेट है, नैनीताल उतारेगी तुमको सीधा, तो चलते हैं वहीं। फालतू अपने सामान का खाने पीने का सामान मत ले आना, क्योंकि यहाँ से तुम बस पकड़ोगी ना, यहाँ से तुमको बहुत सारा सामान मिल जाएगा खाने का, और अच्छी क्वालिटी का है जो हर जगह मिल जाता है, तो तुम यहाँ से भी खरीद सकते हो। और यह यहाँ की सबसे फेमस नदी गोल नदी, ये पता नहीं 3-4 नाम है इस नदी के, पता नहीं कौन कौन सा नाम बताया, हर बंदा इस नदी का नाम अलग ही बता रहा था, तो देख लेना। पर अच्छी नदी है, ठीक है, हल्का हल्का सा पानी बहता, तो नीचे की फोटो खिंचवा सकते हो और मजे भी ले सकते हो पानी के। यार यहाँ के बस ड्राइवर बस बहुत तेज चलाते हैं, बड़ा डर लगता है देख के, क्योंकि बिल्कुल साइड में खाई होती है और वहाँ से भी इतनी तेज चला रहे होते हैं। और एक तो यहाँ के रोड, यहाँ से लेफ्ट टर्न, वहाँ से राइट टर्न, यहाँ से लेफ्ट टर्न, वहाँ से राइट टर्न, वैसे तो 10 सेकंड नहीं होते, इनका टर्न पहले आ जाता है, मुड़ते ही रहो बस गोल 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 गोल, ऊपर से बैठे बैठे कभी इस साइड तो कभी इस साइड। अभी तुम्हें वीडियो नहीं दिखाते तो ना यकीन नहीं करते कि यहाँ पे ना इस तरह के मोड़ होंगे भाई साहब इतने, मतलब पूरे रास्ते में तुमको यही मोड़ दिखेंगे बस, और साइड में होते हैं हमारे ये पेड़ बिल्कुल लटके रहते हैं, ऐसा लगता है ना देख के डर लगता है गिरना चाहिए, और साइड में खाई होती है बिल्कुल, मतलब मनोरंजन आ जाए आदमी को जाके के भाई साहब देख के मजा आ जाए। बट यार बस से नज़ारे बहुत अच्छे अच्छे दिखते हैं, और तुम्हारा भाई तो विंडो सीट गिर के बैठा था, क्यों, क्योंकि तुम्हारा भाई तेज है, अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, पर मैं गिर के बैठा था क्योंकि यार मज़ा आ जाए, और तुमको वीडियो भी तो बनानी थी तुम्हारे लिए, तुमको दिखाने के लिए, इसलिए। तो देखो गाइस बस उतारेगी तुमको इस जगह पे, इस जगह पे उतारते ऐसा लगेगा तुम आ गए जन्नत में, सारी थकान तुम्हारी खत्म हो जाएगी, इस जगह से आएगी बस, जहाँ ये देखो ये है ना, अब यहाँ से गाड़ी आएगी, गेरी गाड़ी आ रही है, यहाँ से बस आती है, यहीं उतार देते तुमको सामने, और होटल गए तुमको रिक्शा लेना रिक्शा ले लो, पैदल जाना पैदल चले जाओ, पर मज़ा आता है यहाँ पे रुक के। में ना मछलियाँ बहुत हैं, और अब मैं बहुत थक गया हूँ, अब सीधे तुमको मिलता हूँ मैं नहा के, जब तक हमारे होटल की शॉट्स लेता हूँ। We'll be right back.
बाल है मत जाना यार, बाल खराब लग रहे मेरे, क्योंकि यहाँ नहा के निकला था मैं, हेड रैश है नहीं मेरे पे। उसे देखो फॉग दिखेगी आपको, दिख रही है फॉग, देखो इधर ही फॉग है यार। पूरा अभी अभी फॉग आई है, वैसे थोड़ी देर पहले नहीं थी बिल्कुल भी, एकदम से ही आती है, यही होता है यहाँ पे, एकदम से ही बादल हो जाते हैं। 5 minutes later गाइस, आज तो बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है बाहर, जिसकी वजह से हम बाहर जा भी नहीं पा रहे, और बहुत भूख लग रही है। वैसे तो यहाँ पे खाना है, पर हमको यहाँ का खाना, हमने चाय मंगाई थी, हमको इतनी अच्छी लगी नहीं चाय, तो हमको ट्रस्ट नहीं हुआ इनके ऊपर। मैं तुम्हें कुछ बोलूँ तुम यहाँ फिर बोलोगे यार ये तो ऐसा था ऐसा था, मतलब जगह बहुत अच्छी है पर खाने मेरे को टेस्ट करने मेरे को वर्थ नहीं लग रहा इनका यार, कि खाना टेस्ट करो मेरा मूड ख़राब हो जाएगा। और बस यार तैयार व्यार होके लेटे थे, सोचा तो जाएंगे कहीं गाड़ी से आती, गाड़ी मतलब गाड़ी घुमाती है ना हर जगह पे, तो देखते हैं बारिश खत्म होने का वेट करते हैं, बारिश खत्म होगी तो चलते हैं कहीं पे, नहीं तो आज का डे वेस्ट तो यहाँ करेंगे कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग। तो गाइस, जो हमने रूम लिया है यहाँ पे वो 5 बेड का है, 2 डबल बेड है, 1 सिंगल बेड है। जिस सिंगल बेड में बैठा हूँ इसको मैंने घेर लिया, किसी को नहीं आने दूंगा, मैं नहीं रहूँगा कि तुम्हारा भाई तेज है, अरे ऐसी बात नहीं। तो सीन ये था, ये मतलब पहले मेरी बहन आई थी यहाँ पे, बहन और मम्मी और उनके दोस्त आए थे, तो वो मेरे को लेके आए यहाँ पे कि भाई उन्होंने घूमा था तो उनको पता चला था यहाँ पे जगह, और वो जान कुछ उनको इसी मौसम में लेके आए। मतलब अगर तुम इस सीज़न में आते हो तो ये जगह बेस्ट है, क्यों, क्योंकि पहली बात जब गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ती हैं ना तब बहुत क्राउड होता है यार, और वो इतने क्राउड के अंदर ना मज़ा नहीं आता, हर चीज़ ना डबल रेट में मिलती है और ऊपर से जाम। पर इस टाइम ये होता है कि ना हल्की सी बारिश होती है, तुमको रिस्क रहता है, जो भाई हमने लिया जैसे हम घर में बैठे भी कुछ नहीं कर पा रहे, ये रिस्क रहता है कि भाई तुमको अगर बारिश आ गई तो भाई तुम्हारा आज का दिन खराब हो जाएगा। बट बस ये होता है कि अगर बारिश नहीं, पर अगर बारिश भी आती है ना तो यार तुमको जो व्यू दिखता है ना यार वो होता है टोट, वो तुम कह सकते हो बॉम, मज़ा आ जाता है देख के। वीडियो है सारी की सारी, दिखाऊंगा मैं तुमको सारी वीडियोस। और तो गाइस ये हमको रूम पड़ा है 2250 रुपये का, जो कि 4th floor पे है, व्यू बहुत अच्छा है यहाँ से बाहर का, बारिश आ रही है, मज़ा आ रहा है देख के। और बस भैया खड़े मेरे ध्यान से देख रहे हैं क्या चल रहा है, और बाकी बहन और मम्मी बाहर फोटोज खिंचवा रहे हैं क्योंकि मौसम बहुत अच्छा होता है ना, क्योंकि हम बैठे टाइम पास कर रहे हैं। चलो तो गाइस फाइनली बारिश हो गई बंद और हम चलने के लिए तैयार एकदम, बैग वैग टांग के,
मस्त। देखो कपड़े तो थे ही मेरे पास, तो मुझे जो भी मिला मैंने तो पहन लिया, क्योंकि बाहर बहुत ठंड लग रही थी मेरे को, बहुत ठंड हो रखी थी बाहर, 15 डिग्री सेल्सियस हो रखा था बाहर, और दिल्ली में जिस टाइम 45 डिग्री सेल्सियस होता है, यहाँ 15 डिग्री, तो समझ सकते हो कितना अंतर होगा। और कपड़े तुमने देखे होंगे मेरे पहली वाली वीडियो में, यही चलो कोई नहीं, मैंने चल लो, इतना चलता है, गरीब है भी यार, इतना पैसा नहीं है। और ये वही मेरे जूते ईजी, और हम यहाँ से नीचे उतरते हुए आगे मेरी मम्मी जा रही है, और मैं ट्राईपॉड पकड़ के अपने हाथ में गाड़ी में जा रही है, गाड़ी सामने खड़ी है, भैया बुक कर चुके हैं गाड़ी को, आज हमको पूरा दिन ये नैनीताल के जो भी आस पास की जगह सब घुमाएगी, चलो चलते हैं। तो गार थोड़ा आगे चलते ही हमको एक खाने का रेस्टोरेंट दिखा, ये तो मतलब चप्पल फूट की दुकान है, तो मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे ये सामान मिलता है, और सीधा हम फूट के पड़े खाने के ऊपर, दब के खाया, मज़ा आ गया खा के यार। बट बाहर हल्की हल्की बारिश आई रही थी, बंद नहीं हुई थी, बट हमने सोचा छोड़ो यार कोई नहीं, चलते हैं देखते हैं क्या है, मतलब कि क्या रहता है और क्या नहीं। फिर सबसे पहला पॉइंट था एसी पॉइंट, पता नहीं क्या ब्लड ब्लड लिखा हुआ था, कुछ भी उसको छोड़ो, इस जगह से आ रही थी वैसे बहुत ठंडी हवा, एक तो हमको इतनी तो ठंड लग रही थी, ऊपर से इस जगह से आ रही थी और ज़्यादा ठंडी हवा, तो हमसे तो रुकाने की, हमने कहा भाई नहीं भैया हमें रुकना यहाँ पे, हम चलो आगे चलते हैं। फिर आता है सुसाइड पॉइंट, जो तुमको नीले नीले कलर के शेल्टर से बने दिख रहे हैं ना, ये यहाँ पे घोड़े हैं जो तुमको टिफिन टॉप पे लेके जाते हैं, जिसका किराया होता है 700 अराउंड रुपये। और ये सुसाइड पॉइंट ये बड़ा अच्छी जगह लगी है मेरे को दिखने, मतलब नाम थोड़ा इसका ऐसा ही, और ये देखो प्लास्टिक का तुमको दिख रहा है कुछ बना रखा है डिज़ाइन सा, ये बताऊंगा तुमको बाद में क्या सीन है ये इसका पूरा। और ये बड़ा सुंदर जगह थी, देखो तुम ध्यान से देखो। हिल रहा है, ये सबसे बड़ा सुसाइड पॉइंट। ये वाला गीला है ना, रुकेगा नहीं। तो गाइस जो तुमको नीचे छोटी सी ताल दिख रही है ना, इसको कहते हैं खुरपा ताल, यहाँ की सबसे साफ ताल है ये, यहाँ का पानी बहुत साफ है यहाँ पे, और यहाँ पे मछलियाँ बहुत सारी हैं उस ताल के अंदर, तो ये जो यहाँ पे घर बने हैं थोड़े अच्छा सा इलाका कहलाता है ये यहाँ का। और ये जो साइड में उनको रोड दिख रही जाती हुई, ये रोड जाती है नीचे इस जगह पे, यहाँ पे खुरपा ताल बनी हुई है, ऐसे घूम घूम के देखो गाड़ी जा रही है, हाँ तुमको दिखती हुई गाड़ी जाती हुई। तो इससे नीचे जाने में ना मेरे को बड़ा डर लग रहा था, क्योंकि वहाँ ना झिलाई थोड़ी ज़्यादा थी, बड़ा शार्प था वो नीचे,
की तरफ पहुँचता हूँ। सोच रहा था मैं यहीं से फोटोज खिंचवाऊँ कि यहीं से जाऊँ, तो मैंने सोचा चल लिए नहीं यार तुम्हारे लिए मेरे को नीचे जाना चाहिए, तो मैं गया। बट मेरे पैर वो मूवी में आता है राम 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 ऐसे करके जा रहे होते हैं, तो ऐसे जा रहा था मैं नीचे। बट यार यहाँ से व्यू बड़ा अच्छा देखा मेरे को, जो कि बाकी कोई लोग नहीं देख पा रहे थे। और फिर आता सबसे सुंदर पॉइंट हिमालय व्यू पॉइंट। यार यहाँ पे तो ऐसा लगता है बस बादल बादल में आ गए, और जहाँ मैं तुमको इशारा कर रहा हूँ ना अभी देखो उस जगह पे है हिमालय, जो कि हमको दिख रहा था आँखों में, कैमरे में नहीं दिख रहा, बट मैंने तुमको दिखाने के लिए कुछ मैनेज किया था। मतलब वहाँ पे बंदे खड़े थे वो लेके दूरबीन लेके के देखने के लिए ये रे लोग जो दिख रहे हैं, तो तुमको वहाँ से शॉट दिखाता हूँ मैं सीधे हिमालय के, जिसके चार्ज मुझे पड़ा 50 रुपये। तो ये देखो ये ना बर्फ़ से ढका हुआ है, हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी 3 महीने से दिखा नहीं था, क्योंकि बारिश के चक्कर में वो आ जाती थी, बट हमको ही दिख गया क्योंकि तुम्हारे भाई किस्मत अच्छी है और तुम मेरे साथ हो। और ये भी कुछ खिंचवी कैप्चर्स फोटो देखो ध्यान से, तुमको दिखेगा हिमालय बर्फ़ जमी हुई पूरे में, बादल बादल से दिख रहे हैं, मतलब समझ में आ जाएगा इतना है। और ये बिल्कुल चोटी पे ना मंदिर बना हुआ है एक बड़ा सुंदर सा, और फिर हमारा दिल नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का, मैं तो सिर्फ इसे देखे जा रहा था इस जगह को, बट लेट हो रही थी हमको नीचे भी जाना था क्योंकि फिर नीचे जाम लग जाता है ना जाने में, तो हम निकल लिए। फिर आती है नैनी पीक, मतलब नैनीताल को तुम सबसे ऊपर से देखते हो जिस जगह से, यहाँ से तुमको ये नैनीताल मैंगो की शेप की दिखती है, ध्यान से देखोगे अगर तुम तो ये मैंगो की शेप की दिखेगी। और ये नीचे जो तुमको रेड रेड कलर का दिखाया ना, ये नैना देवी का मंदिर है जिसके नाम पे इस जगह का नाम नैनीताल रखा हुआ है। और इस साइड कहीं पे हमारा होटल था, क्यों, क्योंकि हमारे सामने व्हाइट कलर की बिल्डिंग थी ना, इससे मेरे को याद है इस जगह पे हमारा होटल था। और देखो ये जो बोतल है ना, ये ना सजा रखे हैं हर जगह के, भाई कृपया करके यहाँ पे कबाड़ ना फेंकें, तो यार देखो हमको नहीं फैलाना चाहिए। ये पड़ती है 160 रुपये की, वो पड़ी है 210 रुपये की, चार सवारी। क्यों यहाँ की मछली क्यों नहीं खा सकते? इसलिए कि इसलिए एक तो माँ का कुंड हुआ बताइए, और सबकी रोजी रोटी इसी से है बेटा। अच्छा अच्छा, नहीं खा सकते, सरकार की बात है बेटा, देवभूमि है ना, देवभूमि। हाँ बेटा, तो दिल्ली बारिश होती है। हाँ तो साल ये 2-2.5 महीना ऐसा ही है दिल्ली बारिश। हरे हरे पेड़ मशीन लगा हुआ है पानी के साथ, आप देखो यहाँ कूड़ा करकट का नाम नहीं है। अच्छा अच्छा, अब ये रात भर चलेगा सुबह साफ हो जाएगा सब पानी। हाँ, ये जो कूड़ा करकट है सब का जो माल रोड का ट्रैफिक बंद हो जाएगा ऊपर वाली रोड का। अच्छा, आप लोगों को घूमने टहलने के लिए, आप लोग पीना से घूमते टहलते ऐसे टहलते जाओ, ये नैना देवी मंदिर है, इसी बगल में तिब्बती मार्केट है, आगे बड़ा बाजार है, यही अपना 9-10 बजे तक घूमो टहलो, फिर खाना वाना खा कर आराम से आओ, मान लो की जगह है आपका। ये जो हट है ये लाइब्रेरी है, और इसके नीचे बत्तख रहते हैं सरकारी है वो सब, और पीछे उसके जस्ट पीछे हमारा होटल है। ये सारी बत्तख एक एक करके सब उसी में जाएंगे ऊपर, ये देखो तुम जैसे जा रही हैं, और ये 6 बजे बंद हो जाता है ये जगह, इसको बंद करते हैं सारी बत्तख अंदर को सारे। और ये हमारी 50 रुपये, ये देखो सारी बत्तख जा रही हैं अंदर, इसके अंदर अभी बंदा आएगा, एक खुलेगा गेट और सब अंदर चले जाएंगे, अंदर खाना वाना खाएंगे और उसको 5 बजे बाहर आएंगे दोबारा। ये है ना गेट इनका, Thank you.
और यहाँ का बहुत सुंदर सनसेट। तो गाइस अभी मैं हम आ गए हैं घर, अभी अभी घर आए हैं, बहुत थक गए हैं और नींद भी आ रही है बहुत तेज, पूरे दिन से घूमने। बाकी कुछ भूल जाऊंगा तो मैं बताऊंगा बाद में, बाल भी देखो कैसे हो गया दिन से। चलो चलते हैं और सबसे जरूरी चीज नींद लेते हैं। और यार देखो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि देखो प्यार बहुत है, पैसा नहीं है क्योंकि पापा नहीं देते,